What's up, strong family? Thank you so much for liking and supporting this Could He Be a Bodybuilder series. अगर आप एक न्यू व्यूअर है तो मेरी बाकी वीडियोस को जरूर चेकआउट करें और स्ट्रेंथ एंड न्यूट्रिशन सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड साथ ही साथ उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम कनेक्टेड रह सकें. सो लास्ट वीडियो में बहुत से लोगों ने डिमांड करी फॉर अ वीडियो ऑन ऋतिक रोशन. सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो. कुड ऋतिक रोशन हैव बीन अ बॉडी बिल्डर? लेट्स गेट स्टार्टेड. ऋतिक जाने जाते हैं अपने क्लासी लुक एंड अमेजिंग डांस मूव्स के लिए. वैसे तो ऋतिक हमेशा ही फिट एंड लीन रहे हैं, बट 2012 में एक बैक इंजरी के कारण और रेगुलर स्मोकिंग, अल्कोहल एंड जंक फूड कंजम्पशन से वो काफ़ी आउट ऑफ शेप चले गए थे. और इसी के बाद ऋतिक ने क्रिस गेथिन के अंडर ट्रेन करना शुरू करा और उन्होंने कमबैक करा विद एन इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन. ऋतिक अगर कभी कम्पीट करते हैं तो मेंस फिजिक उनके लिए एक सही स्टेज रहेगा. ऋतिक का बॉडी वेट है 80 kg एट अ हाइट ऑफ 6 feet. उनकी नैरो 30-inch वेस्ट उनको एक आइडियल कंपेटिटर बनाते हैं इस डिवीजन के लिए. मेंस फिजिक में क्लासिक या प्रो बॉडी बिल्डिंग की तरह बहुत ज़्यादा मसल मास की ज़रूरत नहीं होती है. इसके लिए ज़रूरी है डिसेंट मसल मास, 8-10% बॉडी फैट एंड क्लासी स्टेज प्रेजेंस. एंड आई एम श्योर ऋतिक रोशन अपनी ग्रीक गॉड फिजिक एंड डांसिंग स्किल्स के साथ इस डिवीजन को ज़रूर डोमिनेट करते हैं. बॉडी बिल्डिंग में कहते हैं कि शोज आर वन फ्रॉम द बैक एंड ऋतिक की बैक में परफेक्ट विथ, मस्कुलैरिटी एंड थिकनेस है. वो किसी भी प्रोफेशनल फिजिक एथलीट को बैक गेम में चैलेंज कर सकते हैं. आई एम श्योर ऋतिक ने काफ़ी टाइम स्पेंड करा है वाइल डूइंग चिन अप्स. मेंस फिजिक में मिड सेक्शन की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है एंड ऋतिक के एब्स बॉलीवुड में सबसे बेस्ट है. आप उनके सेरेटस, ऑब्लीक मसल्स एंड उनके लोअर वी कट एब्स को क्लियरली देख सकते हैं. उनके 17-inch के आर्म्स उनकी फिजिक में एक और प्लस पॉइंट है. ऋतिक के बाइसेप एंड ट्राइसेप्स दोनों में ही काफ़ी मसल मास एंड थिकनेस है. उनके क्रैप्स ज़्यादा ह्यूज नहीं है बट उनकी अपर बॉडी को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं. ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं ऋतिक के कुछ वीक पॉइंट्स की. अगर आप उनकी चेस्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वो थोड़ी सी अंडर डेवलप्ड लगती है, स्पेशली द लोअर एरिया ऑफ द चेस्ट. शोल्डर्स की अगर हम बात करें तो उनके मीडियल डेल्ट्स में उतनी फुलनेस नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़े से पॉइंट्स लूज कर सकते हैं वाइल फेसिंग द जजेस. ऋतिक के ट्राइसेप्स में जो मीडियल हेड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट है, आप उसे क्लियरली देख सकते हैं. बट उनका जो लॉन्ग हेड है वो थोड़ा सा वीक है, जिसकी वजह से वो उनके ट्राइसेप्स की बैक साइड में इनफ फुलनेस ऐड नहीं करता है. तो गाइस, आई थिंक ऋतिक रोशन की फिजिक में सिर्फ यही 3 वीक पॉइंट्स है एंड ओवरऑल वो एक स्ट्रॉन्ग मेंस फिजिक एथलीट बन सकते हैं. तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो. कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं अबाउट ऋतिक रोशन एज अ फिजिक एथलीट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. टेल मी इस सीरीज में आप नेक्स्ट किस एक्टर को देखना चाहेंगे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन कीप लिफ्टिंग. पीस.